ये है सोनू टाइगर। महाभारत कालीन व्याख्यानों के अनुसार विशालकाय मनुष्यों का सजीव उदाहरण। सोनू टाइगर की ऊंचाई 7 फुट और वजन 150 किलोग्राम है। रेसलिंग चैंपियन द ग्रेट खली से लंबाई में महज 1 इंच और वजन में 7 किलोग्राम कम। सोनू चाहते हैं उन्हें भी WWE में रेसलिंग करने का मौका मिले। एक बार में 45 रोटी खाने वाले सोनू को उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री ने अपना बाउंसर बना रखा है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने खड़े हैं सोनू टाइगर और इनको देखने के लिए, इनसे हाथ मिलाने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है। ये पूर्व मंत्री ब्रजकिशोर डिंपल के सुरक्षा कर्मी हैं और इनसे बात करते हैं। ये देखने में खली जैसे लगते हैं और इनको यहाँ पर सारे लोग इसीलिए इनसे मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, इनसे इनके बारे में जानकारी करते हैं। सोनू जी, आपकी कितनी हाइट है? मेरी हाइट 7 फीट है। 7 फीट है। तो ये हाइट आपको कितनी, इससे फायदा क्या हुआ और नुकसान क्या हुआ? नुकसान तो नहीं, फायदा ही फायदा है। जब भी जहाँ जाते हैं सब फोटो वोटो खींचते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार मोतिहारी जिला के। मोतिहारी जिला के। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की आपने? पढ़ाई लिखाई हाई स्कूल तक किया है। अब जो इस समय है, जैसे आपका जूता बहुत बड़ा है, कितने नंबर का जूता पहन रहे हैं आप? जूता कैसे मिलता है आपको? जूता तो बहुत परेशानी होती है, बनवाते हैं ऑर्डर देकर 15 नंबर का जूता है और कहीं मिलता भी नहीं है। तो परेशानी कपड़े ऊपर में परेशानी होती है, कहीं मिलता नहीं है, सब परेशानी होती है। ये कपड़े बनवाने पड़ते हैं? कपड़े तो बनवाते हैं जी। बाजार में रेडीमेड शॉप पर भी नहीं मिलते ऐसे कपड़े? बाजार में तो नहीं मिलता। अच्छा, रोज क्या आपकी दिनचर्या क्या रहती है, कितना खाते पीते हैं, कितने एक्सरसाइज करते हैं? सुबह तो 6 बजे उठ जाता हूँ और रनिंग वनिंग और एक्सरसाइज 2 घंटे करता हूँ। यही अपना 2-4 लीटर दूध पीता हूँ, खाता पीता हूँ और 40-45 रोटी खा जाता हूँ। 40-45 रोटी खा जाते हैं? और दूध कितना पीते हैं? 5 लीटर। फल वगैरह भी खाते होंगे? फल भी खाते हैं, सुबह पपीता वगैरह खाते हैं 2 किलो। अच्छा। हाँ जी। और शाकाहारी भोजन लेते हैं या मांसाहारी? नहीं, मांसाहारी भी है। मांसाहारी लेते हैं तो क्या क्या लेते हैं? मांसाहारी तो पूरा मुर्गा खा जाता हूँ। एक मुर्गा अकेले? एक मुर्गा अकेले खा जाता हूँ, वो भी कम पड़ जाता है और मुझे और खा जाता हूँ। मैंने सोचा कि खली की तरह जा करके कुश्ती भी लड़ा जाए। सोचा तो मैंने, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाता हूँ। तो चाहते हैं? हाँ चाहते हैं। तो जी भी चाहते हैं कि खली की तरह ये भी जाकर रिंग में अपने दमखम दिखाएं और कुश्ती के दांव आजमाएं। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से अखिलेश तिवारी।